हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी है ड्राई फिश सब्जी टाइप चटनी। तो इसे मैं कैसे बना रही हूँ, आइए देखते हैं। ड्राई फिश सब्जी टाइप चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले रखा है ये सूखी मछलियाँ, उसके बाद इस तरह का ये धनिया पत्ता, यहाँ पर दो बड़े बड़े टमाटर, उसके बाद दो प्याज और 8-9-10 ऐसी मिर्चियाँ ले रखी है। तो इस मच्छी को हमें अब छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तो मैंने फिश को इस तरीके से काट के रेडी कर लिया है, अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो मेरा यहाँ पर कढ़ाई जो है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं ये कटे हुए फिश, जो ड्राई फिश है ना, उसको मैं फ्राई करूँगी। डाल दिया मैंने, डालने के बाद थोड़ा इसको फ्राई करना है। हाँ, ये फ्राई हो रहा है, थोड़ा पक जाएंगे क्योंकि वो कच्चा था ना, तो थोड़ा सा पक जाएगा तो उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। ज़्यादा इसको हमें गोल्डन कलर में नहीं वो करना है, क्योंकि नहीं तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे जो ड्राई फिश है वो पूरी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, पक चुके हैं, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो ये रहा, फ्राई होने के बाद ये ऐसा कलर आ गया है। अब जो है इसे तेल को वेस्ट ना करते हुए मैं इसमें डाल रही हूँ ये कटी हुई प्याज और मिर्ची, तो थोड़ी देर भून लें थोड़ा सा प्याज पकने तक। दो मिनट जितना भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये हल्दी पाउडर, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद नमक स्वाद अनुसार। अब इन तीनों को हम मिक्स करेंगे। दो मिनट करके थोड़ी देर इसको प्याज को पकाना है। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है, तो ये जब पक जाएगा थोड़ा सा प्याज जो है वो थोड़ा सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा इसका, तब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो। तो ये रहा मेरा प्याज जो है वो पक रहा है, गोल्डन कलर आ चुका है थोड़ा थोड़ा। अब मैं इसको सिर्फ और 2 मिनट भूनूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, मेरे प्याज जो पूरे पककर रेडी हो चुके हैं, क्वांटिटी भी अभी कम हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये कटे हुए टमाटर। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और तब तक मैं इसको पकाऊंगी जब तक टमाटर जो है वो पूरी तरीके से गल नहीं जाता। तो यहाँ पर गलना शुरू हो चुके हैं, ये देखिए गल चुका है। अब इसको मैं और 3 मिनट जितना इसको पकाऊंगी ताकि यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है ये पानी सूख जाए, टमाटर का पानी जो निकल रहा है वो। पानी को सुखाने के लिए मैंने गैस का फ्लेम जो वो भी हाई कर दिया है, अभी मैं हाई कर रही हूँ ये पानी जो एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है उसको सुखाने के लिए। यहाँ पर मैंने जो धनिया पत्ता था उसको काट दिया है और ये जो सूखी मछियाँ है वो भी पूरी तरह से रेडी है टमाटर में जाने के लिए। तो देखिए टमाटर का पानी जो है वो सूख ही चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये फ्राई किए हुए ड्राई फिश, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी ये बहुत ही मतलब क्रंची है, थोड़ा मच्छी जो है वो ड्राई फिश क्रंची है, तो इसको थोड़ा सा पकाऊंगी मैं 2 मिनट जितना, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लास्ट में धनिया पत्ता। 2 मिनट हो चुके हैं, मच्छी जो वो गलना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बना है, इस तरीके से खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ ये धनिया पत्ता बस। अब जो है मेरी ड्राई फिश पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ड्राई फिश सब्जी टाइप चटनी जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार है। ये चावल के साथ ही टेस्टी रहती है, रोटी के साथ तो टेस्टी भी होती नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पसंद भी नहीं होती है। मैं तो इसी तरीके से खाती हूँ, तो ये आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।